हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल एसटीडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड्स ये आपका हो गया, आपका फ्रेंड इसमें हम कराने जा रहे हैं फ्रेंड 26 to 31 चैप्टर कराएंगे फ्रेंड, ठीक है। ये आपका सिक्स पार्ट हो गया फ्रेंड। और हम बात की जाए अगर फ्रेंड, तो हम आपको एक से लेकर 25 चैप्टर तक, मतलब एक से लेकर 25 तक आपका कंप्लीट करवा चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक से लेकर 25 तक करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है फ्रेंड या रिविजन नहीं किया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इन सब चैप्टरों का रिविजन कर सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही कम टाइम लेकर हमने कराया एकदम स्पीड में फ्रेंड। और ये आपका फ्रेंड एक प्रकार से क्विक रिवीजन हमने करवाया था। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड 26 to 35, मतलब कि 6 चैप्टर आपके कंप्लीट कराएंगे फ्रेंड। और इसी के साथ में आपका ये फर्स्ट पेपर का इजी नोट कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग बस बने रहिएगा, आपके साथ की जरूरत है फ्रेंड्स। तो आप बस हाँ चीज़ों को रिवीजन करते रहेगा फ्रेंड्स। आप लोग जहाँ से जो भी कैंडिडेट आप लोगों ने पढ़ा है फ्रेंड, वो ठीक है, सही है, बट क्या है फ्रेंड, टाइम बिल्कुल बचा नहीं। तो आप लोगों को हमें पता है सारा चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, बस क्या है एक बार चीज़ों को रिविजन करने या रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है फ्रेंड, ठीक है। आप लोग क्विक रिविजन बस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, आपको 26 नंबर चैप्टर क्या है और जल्दी जल्दी देखेंगे। एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ते नहीं फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन करते हैं। और इसमें भी एक एक क्वेश्चन करेगा फ्रेंड आपका, इस वीडियो में आपको ये पूरा इजी नोट आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन आपका देख लें। आपका चैप्टर कौन सा 26 है, क्या नाम है उसका, राज्य स्तर, मतलब कि राज्य स्तर को क्या बोलते हैं, SC ERT और डाइट इसमें आएगा फ्रेंड। राज्य स्तर में ये दोनों चीज़ें आती है, SC ERT और आपका डाइट आती है फ्रेंड, ठीक है। इसी बात में हम लोग एक ही क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या है फ्रेंड। अगर बात की जाए फर्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन है, कह रहा है कि SC ERT का पहली बात तो स्टेट फॉर्म बताइए, मतलब फुल फॉर्म बताइए कि SC ERT का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड आपको पता ही होना चाहिए कि क्या है फिर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगर NCERT होता फ्रेंड, यहाँ पे एस की जगह एन होता, ठीक है फ्रेंड। एस का मतलब होता है स्टेट और एन का मतलब होता है नेशनल, ठीक है। NCERT मतलब नेशनल होता है और इसके स्टेट का मतलब फॉर स्टेट, तो यहीं पर राज्य हो जाएगा फ्रेंड, नहीं ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद परिषद। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, मतलब SCERT जो आपका आया था तो किस इस वर्ष आया था, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंड ये आया था 1881, ठीक है। अब दो बातें हैं फ्रेंड्स, ठीक है, दो बातें हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। डायरेक्ट अगर पूछे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। बट अगर कभी ये चीज़ पूछ ले कि यूपी में कब हुई थी, ठीक है, अगर यूपी में फ्रेंड्स पूछेगा फ्रेंड ये बात की गई कब फ्रेंड, यूपी की बात की गई है, तो आपका कब हो जाएगा फ्रेंड, 1988 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। समझिए चीज़ों को, इसमें बात की गई है यूपी की, अगर यूपी की बात करेगा फ्रेंड, तो आपका आपका राइट आंसर फ्रेंड ये हो जाएगा 88। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका SCERT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड, SCERT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं सारी चीज़ें तो नहीं थी, बट ये था राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, देखिए शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना और विकास में सहयोग देना, ये चीज़ें क्योंकि देखिए है तो सब सही है, बट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा कहने में कम अच्छा लगता है फ्रेंड, ये दोनों चीज़ों का समाहित है आपका, राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, ये दोनों चीज़ें आपका एक लाइन में आ गई, ठीक फ्रेंड, ये चीज़ है, तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद में परिषद के मुख्य विभाग हैं, तो कौन कौन से मुख्य विभाग हैं फ्रेंड, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे मुख्य, सभी के सभी मुख्य विभाग हैं, और जैसे कि भारतीय भाषा विज्ञान विभाग हो गया, प्रारंभिक शिक्षा हो गया, मानवीय तथा सामाजिक विज्ञान विभाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान मतलब SCERT का मुख्यालय किस शहर में, तो फ्रेंड स्टेट की बात की गई, तो स्टेट में इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है फ्रेंड्स, ठीक है, और NCERT कहाँ है, वो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान फ्रेंड्स कहाँ है, राष्ट्रीय की बात की गई, राजकीय की बात की है, तो आपके कहाँ चीज़ें मिलेंगे, आपको लखनऊ में ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है फ्रेंड, तो ये आपके सभी उद्देश्य है फ्रेंड, ठीक है, इस उद्देश्य सभी हैं, क्योंकि एक उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCERT के निम्न में से कौन मुख्य विभाग है, तो फिर कौन से मुख्य की बात की गई है, तो फ्रेंड इसके कई मुख्य विभाग हैं, इनमें आपका राइट आंसर सभी हो जाएगा, विदेशी भाषा भी है, श्रव्य दृश्य विभाग भी, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग भी है, तो कई सारे विभाग हैं, पढ़ते 8-10 विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ किसका एक विभाग है, तो ये चीज किसका फ्रेंड्स विभाग है, तो आपका अगर राजकीय की पूछा है, तो इसमें राइट आंसर आपका राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, मतलब कि SCERT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCERT के कार्य क्या है फ्रेंड, तो इसमें कार्य क्या है फ्रेंड, तो कार्य भी इसमें देखिए, एक तो ये तो ए वाला ऑप्शन है ही है इसके साथ में, क्योंकि एक वर्ग तो होता नहीं है फ्रेंड, तो इसमें फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमने आपको बताया भी 99% आपका अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी, इनमें से सभी या ऑल ऑफ दिस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन
में अगर आंसर के में ऑप्शन में दे रखा हो तो फिर 99% क्या है चांसेस है कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा, अभी हमने आपको पढ़ाया था अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करके इस रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना किस संस्था का, फंड कौन सी शिक्षा का काम है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण मतलब SCERT का काम होता है कि रिपोर्ट राज्य को प्रस्तुत करना होता है फ्रेंड, ठीक है, ये आपका अनौपचारिक शिक्षा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राज्य की जनसंख्या शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रगति का अवलोकन करने संबंधित कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है फ्रेंड, तो ये आपका SCERT के द्वारा किए जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राज्य में छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु परीक्षाओं को व्यवस्थित करने का भी काम किसका होता है फ्रेंड, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण का ही होता है। भारत सरकार ने किस वर्ष शिक्षा में चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज प्रकाशित किया था फ्रेंड, तो कब किया था फ्रेंड, शिक्षा में चुनौती की बात की गई है फ्रेंड, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड देखिए अगर बात की जाए शिक्षा में चुनौती की तो ये आपका आया था 1985 में फ्रेंड्स आया था। और डाइट की स्थापना कितनी होती मतलब कि प्रत्येक जिले में कितने डाइट होते हैं फ्रेंड, तो आपको पता ही है मात्र एक होता है, हर जिले में एक डाइट होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कई नहीं होते, ओनली वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डाइट के मुख्य वर्ग क्या है, तो फ्रेंड एक वर्ग तो किसी में होता ही नहीं ना, तो जैसे डाइट के क्या है, शिक्षकों में योग्यता में सुधार लाना, शिक्षकों की योग्यता में वृद्धि करना, और क्या है प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना, सारे वर्ग के इसके फ्रेंड डाइट के होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमने 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया फ्रेंड, ये देखिए आपकी उत्तर माला है मतलब बात की जाए तो आंसर की है फ्रेंड, ठीक है, तो 26 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो आपका 27 चैप्टर आपका क्या कह रहा है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब की बात की जाए तो आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रेंड्स, ठीक है, और चलिए देखते हैं इसमें भी एक एक क्वेश्चन जानेंगे, इसमें भी समझेंगे क्या है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है कि सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है, तो सार्वभौमिकरण का फ्रेंड अर्थ आपके इनमें सभी होता है जैसे सार्वजनिकरण करना, सार्वभौमिकरण करना या सर्वव्यापीकरण करना है, राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो इसमें अर्थ ये होता है कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को क्या शिक्षा उपलब्ध कराना, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास कब से प्रारंभ किया गया, तो कब से फ्रेंड्स प्रारंभ किया गया था, देश के स्वतंत्रता उपरांत किया गया था, ठीक है, स्वतंत्र जैसे ही देश आजाद हुआ उसके बाद से सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास करने की शुरुआत कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को सार्वभौमिक करने के प्रथम प्रयास किस अभियान को माना गया था, तो फ्रेंड किसको माना गया था फ्रेंड, तो ये माना गया था आपका SSA सर्व शिक्षा अभियान फ्रेंड, ये आपका चैप्टर में है फ्रेंड सर्व शिक्षा अभियान, उसको भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयु वर्ग के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया था, तो अगर सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत की बात की जाएगी तो इसमें आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अधिकतर में सब में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का संवैधानिक प्रयास कब किया गया था, अगर संवैधानिक रूप से बात की जाएगी तो आपका आया था दिसंबर 2002 में 18वां अमेंडमेंट जो हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अकॉर्डिंग आया था फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से थे फ्रेंड, हमने आपको बताया एक कार्यक्रम तो होगा नहीं, कई कार्यक्रम है जैसे कि आपका UOB हो गया, मध्याह्न मिड डे मील हो गया फ्रेंड, सर्व शिक्षा अभियान SSA हो गया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 नंबर सब पढ़े सब बढ़े योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था, तो किसमें कहा गया था आपका SSA में ही कहा गया था फ्रेंड, एंसर शिक्षा अभियान में ही कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च अभियान की उपलब्धियां हैं, तो कौन कौन सी उपलब्धियां हमने आपको बताया फ्रेंड, एक चीज़ कभी नहीं होती है, तो जैसे कंप्यूटर शिक्षा पर बल देना, शिक्षा में पेयजल की व्यवस्था करना फ्रेंड, स्कूलों का निर्माण कराना, जहाँ स्कूल नहीं थे वहाँ पे भी निर्माण करा देना फ्रेंड, ठीक है, और शौचालय वगैरह की व्यवस्था अच्छे से अच्छे करा देना फ्रेंड विद्यालय के अंदर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ऑपरेशन जो आपका ब्लैक बोर्ड व मिड डे मील जैसी योजनाएं किसका कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड ये योजनाएं फ्रेंड्स लाई गई थी, कोई भी योजना लाई जाती है तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लाई जाती है, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों के सार्वभौमिकरण के लिए फ्रेंड्स लाई गई थी फ्रेंड, मतलब कि चौमुखी विकास होना चाहिए, ये नहीं कि बच्चा को अशिक्षित रखा जाए, बच्चे को शिक्षित किया जाए, बच्चा आएगा इसी माध्यम के जरिए बच्चा आएगा स्कूल में पढ़ेगा कि हाँ हम चलेंगे तो मिड डे मील हमको भोजन मिलेगा, भोजन के सारे वो पढ़ेगा फ्रेंड, ठीक है, तो चीज़ें इस हिसाब से लाई गई ताकि हम लोग एक योजना थी ना कि सर्व शिक्षा अभियान वाले सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समय के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसमें फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक्स है, तो भारत सरकार फ्रेंड, भारत सरकार या केंद्र सरकार जो भी ऑप्शन रहेगा, तो भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है फ्रेंड, ये किसकी योजना थी फ्रेंड, मिड डे मील वगैरह ये सब भारत सरकार की योजना है ना फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान
तथा मध्यान्ह भोजन मतलब मिड डे मील योजना जैसे कार्यक्रम क्यों शुरू किए गए थे फ्रेंड? तो इसका रीज़न क्या था? तो अधिकाधिक बच्चों को साक्षरता की ओर आकर्षित करने के लिए था फ्रेंड, ठीक। इसी बहाने बच्चे आएंगे कॉलेज और स्कूल मतलब विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएँ बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित करती थी फ्रेंड? किस लिए प्रोत्साहित करती थी? तो इसमें राइट आंसर इसमें सबसे बड़ा कौन सा फ्रेंड? सबसे बड़ा आप देख रहे हैं सी है, तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, ठीक। हमने दो तीन चीज़ें आपको बताई रखी हैं, एक तो डी ऑप्शन में अधिकतर इनमें से सभी या फिर इनमें से सभी या जो भी है ए बी सी सी तीनों सही, इनमें से सभी और फ्रेंड उपयुक्त सभी इस टाइप के जो भी आते हैं ऑप्शन डी में ही आते हैं अधिकतर और ये सही रहता है, और या फिर सबसे बड़ा जो आप क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है होता है वो भी आपका 99% सही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या था फ्रेंड? अब देखिए कोई एक उद्देश्य तो देखिए इसमें देखिए कस्तूरबा गांधी पहली बात तो कस्तूरबा गांधी बनाया किस के लिए किया था? लड़कों के लिए या लड़कियों के? तो ये आया था लड़कियों के लिए आया था ना फ्रेंड, तो अगर लड़कों के ऑप्शन दे रखा तो काट देंगे, लड़कों के लिए तो उसमें बनाया ही नहीं गया था, ठीक है। इसमें बात की गई थी लड़कियों के लिए। अब देखिए इसमें लड़कियों इसमें भी ऑप्शन है, इसमें इनमें से कोई नहीं तो गलती हो जाएगा। सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना करना या लड़के, इसमें लड़के कहाँ से आ गए? तो लड़के गलत हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। इसमें चीज़ों को इलिमिनेट भी करना सीखिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन डी ही लगा दिए, चीज़ों को इलिमिनेट भी करना सीखिए, मतलब कि कौन सा ऑप्शन गलत है उसको काटते रहिए तो अपने आप सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी ट्रिक हो, ये भी सारे तरीके होते हैं फ्रेंड्स, है ना, आंसर तक पहुंचने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन है बल्कि यह विचारों की जन्मभूमि जन्मस्थली है फ्रेंड। अब जन्मस्थली की बात कौन करेगा? जन्मस्थली की बात कौन करेगा फ्रेंड? तो राधा कृष्ण भगवान जो है यही तो जन्मस्थली की बात करते हैं फ्रेंड, वही तो बता दें कि किसकी जन्मस्थली कहाँ कौन क्या कब पैदा होगा, तो कौन बात करते हैं? राधा कृष्ण जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार का दृष्टिकोण है फ्रेंड? शिक्षा का सार्वभौमिकरण फ्रेंड किसका ही आपका आधुनिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड? तो मुख्य उद्देश्य आपका क्या था शिक्षा का सार्वभौमिकरण फ्रेंड? एक तो था नहीं, इनमें से सभी थे फ्रेंड, बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, सामाजिक संयोजन विकसित करने के लिए, सारे फ्रेंड राइट आंसर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्वभौमिक शिक्षा के कितने पक्ष हैं? तो फ्रेंड 18 नंबर में कितने पक्ष हैं फ्रेंड? तो इनमें से सभी पक्ष हैं, प्रगत करना, धारणा करना, प्रवेश करना, ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संकल्पना या स्वीकार करती है? तो फ्रेंड्स क्या स्वीकार करती है? तो 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सार्वभौमिकरण की बात करें तो जाति धर्म और मत के को ध्यान में दिए बिना शिक्षा प्रत्येक बालक को देनी चाहिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य इस संविधान को लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने कहा था? यह स्टेटमेंट संविधान सभा ने कहा था कि फ्रेंड देखिए हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में लागू हुआ था और कहा गया था कि 10 साल के बाद जो है सर्वशिक्षा अभियान मतलब सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए, मतलब कि 1960 तक कर दी जाए, बट ऐसा आज तक कभी नहीं होगा फ्रेंड, आज तक कभी ऐसा हो ही नहीं पाया, चीज़ों को टाइम टू टाइम बस चेंज करता गया, टाइम पीरियड को बढ़ाते गए, लेकिन आज तक ये चीज़ कम्प्लीट हो नहीं पाई है फ्रेंड्स, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। चलिए फ्रेंड देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड क्या कह रहा है कि ये देखते हैं, ये देखिए ऑन स्क्रीन आपका नेक्स्ट चैप्टर है, सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन 21 क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि हमारे बच्चे को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो हमारे भारत की कल क्या दशा होगी? देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है और यह भी कर्तव्य मैं चाहूँगा कि देश के प्रत्येक बच्चे को कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य। यह स्टेटमेंट फ्रेंड किसने कहा था? यह कहा था पीटी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था स्टेटमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए शिक्षा के सार्वभौमिकरण में निम्नलिखित बाधाएं हैं, तो क्या क्या बाधाएं हैं फ्रेंड? तो अनेकों बाधाएं हैं, जनसंख्या में वृद्धि सबसे बड़ा कारण है, अपव्यय अवरोधन भी है और संसाधनों की कमी भी है फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है सार्वभौमिकरण में बाधाएँ हो रही हैं, मतलब कि सभी तक शिक्षा जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही, नहीं पढ़ पा रहे हैं और ये आपका जो आया है आपका एसएसए सर्व शिक्षा अभियान ये चीज़ नहीं कंप्लीट हो पा रही है, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपव्यय तथा अवरोधन के कारण क्या हैं? तो ये फ्रेंड ये भी कारण है, तो निर्धनता है, रूढ़िवादिता है, अभिभावकों का शिक्षा के प्रति जागरूक ना होना, ये भी चीज़ें हैं फ्रेंड्स कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है फ्रेंड, तो कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो ये आपका निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान, ये आपका नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है अव्यय व
अवरोधन के कारणों में नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा कारणों में नहीं आएगा, तो आपका आपका अब तो इसमें आपका आ जाएगा फ्रेंड जनसंख्या में वृद्धि, ये चीज़ नहीं आएगी फ्रेंड अव्यय व अवरोधन के कारणों में से। नेक्स्ट है कि आपका नेक्स्ट है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का करण के उपाय, सार्वभौमिक करने के उपाय क्या है फ्रेंड, तो उपाय क्या हो सकते हैं, तो उपाय भी आपके एक तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना, आर्थिक सहायता करना, प्रशासनिक व्यवस्था करना, शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था करवा दी जाए। तो अव्यय का अर्थ क्या है फ्रेंड, देखिए अव्यय अवरोधन दो चीज़ें होती हैं। अव्यय क्या होता है, अव्यय वह चीज़ होता है फ्रेंड जो जो ये चीज़ होती है कि फ्रेंड्स 27 का शिक्षा पूरी किए बिना ही बीच में विद्यालय छोड़ देना, मतलब कि आपने फीस वीस सब पूरी जमा कर दी है, आप कॉलेज जा रहे हैं बट किसी कारणवश आपको बीच से ही विद्यालय छोड़ देना पड़ रहा है, संपर्क आपका टूट गया, आपकी बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल आप पढ़ाई छोड़ ही दिए हैं, ठीक है। अवरोधन में क्या होता है फ्रेंड, अवरोधन में ये चीज़ होती है, अवरोधन में ये चीज़ होती है कि आप एक ही क्लास में आप टू देखिए निम्न क्लास हो इसमें लिए जाती है, हाई क्लास नहीं लिया जाती, जैसे दो क्लास 2, 3, 4, 5, 6 इस जो क्लास ली जाती है, आपका एडमिशन जो है बार बार उसी क्लास में कराया जा रहा है कि आप अभी पढ़ने में आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं ये कंप्लीट नहीं है, कमज़ोर हैं, तो आप लोगों का बार बार उसी किसी बच्चे का बार बार उसी क्लास में एडमिशन कराना ही क्या कह रहा था, अवरोधन कहलाता है फ्रेंड, ठीक है। उसको बार बार रोका जा रहा है, मतलब अवरोधन का मतलब और कि नहीं आप अभी और पढ़िए इसी क्लास में, अभी और पढ़िए, ये चीज़ आपकी अवरोधन होती है। अव्यय व अवरोधन किस स्तर की शिक्षा का अवबोध कराते हैं फ्रेंड, तो किस स्तर में आएंगे फ्रेंड, ये आपके प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर फ्रेंड दोनों में आते हैं फ्रेंड, ठीक है। अव्यय व अवरोधन से कौन सी समित थी फ्रेंड, तो आपको पता ही है कौन सी समित आई थी फ्रेंड, अव्यय व अवरोधन से समित आपकी फ्रेंड आई थी हर टांग समित आई थी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है टांग अड़ाती हैं फ्रेंड, ठीक है, पढ़ाई में दोनों चीज़ें टांग अड़ा रही हैं। तो आप ये देखिए, अच्छा इसके आंसर की कहाँ पे दे रखी है, अच्छा ये आपकी उत्तरमाला फ्रेंड दे रखी है, उत्तरमाला मतलब आंसर की आपकी ये दे रखी है, ये देख लीजिए। और बात की जाए फ्रेंड 27 की, तो चैप्टर की, तो 27 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो आपका 28 चैप्टर आपका क्या कह रहा है कि यह कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, मतलब कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक फ्रेंड। चलिए फ्रेंड इसमें भी देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन आपके देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पूछते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा है, तो माध्यमिक शिक्षा क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी फ्रेंड, माध्यमिक शिक्षा में ही आएंगी सभी चीज़ें आती हैं। भारत के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा का काल क्या है फ्रेंड, माध्यमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो 14 to 18 आता है फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखिए, अगर माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए तो 14 to 18 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्या कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण क्यों आवश्यक है फ्रेंड, क्यों आवश्यक है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो फ्रेंड ये चीज़ें आर्थिक विकास के लिए माध्यमिक शिक्षा आत्मनिर्भर कोर्स बनाने के लिए और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है, क्या कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं फ्रेंड, व्यावसायिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, तो ये इसमें फ्रेंड राइट आंसर आप हो जाएगा ईस, मतलब सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा से मुख्य रूप से संबंधित आयोग है, तो माध्यमिक शिक्षा से मुख्य संबंधित आयोग क्या है फ्रेंड, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग ही हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का क्या महत्व है फ्रेंड, तो महत्व क्या हो जाएगा फ्रेंड, कई सारे महत्व, ये सभी महत्व हैं। शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए माध्यमिक स्तर ही क्यों सर्वोपरि है, क्यों है, तो इसमें राइट भी हो जाए कि बालक का परिपक्व होते हैं, बालक अधिक परिपक्व होते हैं, बालक में चेतना विकसित होने लगती है फ्रेंड, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। 7 नंबर कंप्लीट हो गया फ्रेंड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखते हैं, 8 क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि फ्रेंड्स आपका कह रहा है माध्यमिक स्तर को कितने भागों में, तो दो भागों में फ्रेंड्स बांटा गया है। राष्ट्र का विकास किस बात पर निर्भर करता है, तो राष्ट्र का विकास पढ़े लिखे लोगों पर ही निर्भर करता है। शिक्षा के व्यवसायीकरण द्वारा किस प्रकार के समाज की रचना की जाती है फ्रेंड, शिक्षा के द्वारा तो किस प्रकार के समाज की रचना की जाती है, तो एकीकृत एवं समतापूर्ण समाज की रचना की जाती है। नेक्स्ट आपका है, व्यवसायीकरण के माध्यम से हम शिक्षा को किससे जोड़ सकते हैं, तो फ्रेंड किससे जोड़ सकते हैं शिक्षा को, तो उत्पादन से जोड़ सकते हैं। शिक्षा के साथ उत्पादन जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो किस चीज़ों की आवश्यकता होती है फ्रेंड, तो इन सभी चीज़ों की फ्रेंड आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए आयोग ने जो कल्पना की थी कि उसके अनुसार उन्होंने क्या बातें रखी थी, इन्होंने कहा था जो आपकी कक्षा 8 है उसमें क्लास 8 में 10 से 20 मतलब 10 to 20% जो छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो, और क्लास 11 में 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आपका राइट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा, राइट आंसर ये अभी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का दायित्व किसे सौंपा था फ्रेंड, तो इसमें किसे सौंपा था, ये दोनों लोगों को सौंपा था, मतलब केंद्र और राज्य दोनों को सौंपा था, तो संघ सरकार हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कार्यान्वयन को विद्यालय घर घर
कार्यशाला खेल फैक्ट्री या किसी अन्य उत्पादन कार्य सहयोग देने के रूप में परिभाषित करते हैं। यह स्टेटमेंट फ्रेंड किसने कहा था? यह स्टेटमेंट था शिक्षा आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, आयोग ने शिक्षा संबंध शिक्षा निम्नलिखित स्तर पर कार्यान्वयन लागू करने की बात कही, तो फ्रेंड किसने कार्यान्वयन लागू करने की बात कही थी? फ्रेंड ये सभी ने कही थी, मतलब कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय तीनों में कही थी। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यान्वयन का आधार है, तो इसका आधार फ्रेंड बेस क्या है, मतलब तो इसका बेस फ्रेंड क्या हो जाएगा? विद्यार्जन और धनार्जन दोनों हो जाएगा, मतलब राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक ऋण के उपयोग में होने वाली उपलब्धियां हैं, तो फ्रेंड्स कौन सी उपलब्धियां, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सभी की सभी उपलब्धियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आचार्य राममूर्ति ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक ऋण के बारे में निम्न सुझाव दिए, तो कौन कौन से सुझाव दिए थे? ये फ्रेंड सभी सुझाव दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय समिति ने मांग के आधार पर किस प्रकार के विषयों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी? फ्रेंड तो किस प्रकार की सिफारिश देने की गई थी? फ्रेंड तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड आपका एक नहीं कई हो, तो फ्रेंड राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड उपयुक्त सभी, हमने आपको बताया कि अधिकतर आपका 99% ऑप्शन में उपयोग डी में अगर दे रखे तो वही फ्रेंड सही होता है। बस चीजें पॉजिटिव में, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो पॉजिटिव होता है, अगर निगेटिव में पूछा गया है तो निगेटिव में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसाय उन्मुखी बनाने के दृष्टि केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की थी, तो कब लागू की थी? फ्रेंड 1998 में योजना को लाए थे। फ्रेंड ठीक है, फ्रेंड ये आपका बात की जाए तो 28 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। फ्रेंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका 29। फ्रेंड ठीक है, 29 चैप्टर आपका है, मतलब कि RMSA शॉर्ट में बोला जाए तो, मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं RMSA। फ्रेंड ठीक है, तो इसमें भी फ्रेंड देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन, इसमें भी जानेंगे समझेंगे। फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कीजिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस अभियान से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश बढ़ा और विद्यालयों में ठहराव में सफलता मिलती है, तो कौन सा फ्रेंड? आप लोगों ने एक ही पढ़ा है, स्कूल चलो अभियान अभियान नहीं पढ़ा है, तो आपने क्या पढ़ा है? सर्व इच्छा अभियान, SSA ही फ्रेंड पढ़ा है, सर्व इच्छा अभियान आपका। ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन किया कि ये फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है कि क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि ये फ्रेंड्स कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृत प्रदान की गई थी, तो कब की गई थी? फ्रेंड तो आपको 12 नवंबर 2009 को स्वीकृत प्रदान की गई थी। और नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान को किस संस्था द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई थी, तो किस संस्था, तो आपका कौन सा बोर्ड था? फ्रेंड प्रोजेक्ट बोर्ड के द्वारा फ्रेंड ये चीज़ लाई गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट बोर्ड के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया था, तो फ्रेंड कौन सी चीज़ सर्व शिक्षा अभियान में शामिल की गई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान में फ्रेंड बात की जाए तो आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फ्रेंड्स इसमें चीज़ें शामिल की गई थी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बात की जाए तो 11 to 12 क्लास आपका आता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण में किसकी पूर्ति के लिए आरंभ किया गया था? फ्रेंड किसकी पूर्ति के लिए? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड अगर उपयुक्त सभी दिया है तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, और 6 नंबर आपका कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण को जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ किया जाता है उनमें शामिल है, तो उनमें फ्रेंड्स क्या शामिल है? तो इनमें उनमें भी एक नहीं कई चीज़ें शामिल है। उसके सभी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फ्रेंड योग अध्यापकों की नियुक्ति है, अध्यापकों के लिए सेवारत काल प्रशिक्षण है, फ्रेंड अध्यापकों के विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि किस अभियान के सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश में एक ही योजना बनाई गई, तो कौन सी सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में चलाई गई थी? फ्रेंड ठीक है, बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभियान के तहत गाँव में पढ़ाने वाले अध्यापकों को 300 रुपये प्रति माह प्रोत्साहित राशि देने का प्रावधान किया था, तो किसमें किया गया था? फ्रेंड सर्व शिक्षा अभियान में ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान के तहत दूसरे चरण में सफलता से प्रभावित होकर सर्व शिक्षा अभियान तीसरा चरण प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड तो किससे प्रभावित हो? अधिक विकासशील राज्यों में और पिछड़े राज्यों में फ्रेंड ये तीसरे चरण प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान में आने वाले राज्यों में कितने अधिकारी फ्रेंड, तो कितने अधिकारी को नियुक्त की व्यवस्था की गई थी? तो फ्रेंड 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान में कुल कितने करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था? ये देखिए आपका फ्रेंड एग्जैक्टली दे रखा है 6,652.70 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें अप्रोक्सीमेटली दे रखा है फ्रेंड, इसमें एग्जैक्टली दे रखा है, एग्जैक्टली वाला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो हमेशा राइट होता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान के तीसरे चरण में मुख्य ध्यान किन बिंदुओं पर दिया गया था? फ्रेंड तो किन बिंदुओं पर दिया गया था? फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें भी राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना बोर्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े तथा अग्रणी कुल कितने राज्यों के नए सर्व शिक्षा अभियान के
किया गया था। तो इस फंड कितने राज्य को नए शिक्षा की बात की जाए तो 7 राज्य थे फंड, ठीक है, 7 राज्य। निम्न में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राज्य थे फंड, ये आपके सभी के सभी 3 विकसित राज्य हैं फंड, ठीक है, टोटल 7 थे, 3 ये आपके विकसित राज्य है, केरल, पंजाब, तमिलनाडु। और अगर बात की जाए अविकसित राज्य की फंड, तो अविकसित राज्य में आपके मिजोरम, राजस्थान और छत्तीसगढ़ आपके अविकसित हैं, और एक आ जाएगा यूपी फंड। ये आपके 4 यहाँ से होगा और 3 आपके ये यहाँ से, टोटल कितने हो फ्रेंड्स, 7 राज्य हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 7 विकसित राज्यों के लिए किन विषयों पर ध्यान आकर्षित किया गया था फ्रेंड, तो किन विषयों के लिए ध्यान आकर्षित किया था, तो फ्रेंड आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, पाठ्यक्रम के सुधार, विद्यालय व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा कक्षा कक्षों में सुधारात्मक परिवर्तन के लिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं और इस चैप्टर का फ्रेंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। बात की जाए 17 नंबर क्वेश्चन की, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रेंड शिक्षा फ्रेंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है शिक्षा योजना बोर्ड ने सर्वशिक्षा अभियान संचालन है तो निर्देश दिए थे, क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी फ्रेंड राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी डी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। आप इसमें देखिए 30% के अधिक से टूट फूट के सुधारात्मक कार्यों पर खर्च न किया जाए फ्रेंड्स, है ना। नए विद्यालय में 2 कमरे बनवाने के अनुदान राशि दी गई थी फ्रेंड, दूरदराज के अध्यापकों के लिए विद्यालय में आवासीय सुविधा की भी व्यवस्था की गई थी इस योजना में फ्रेंड, ठीक है। यही सब सारे आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए थे 2009 में, मतलब 2009 में राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन की भागीदारी में आरंभ में कौन मौजूदा 4 योजनाओं का आधुनिकतम संस्करण है फ्रेंड, तो इसमें कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, इसमें राइट आंसर आपका यही हो जाएगा RMSA, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान फ्रेंड। ये आपके फ्रेंड देखिए उत्तरमाला दी गई है, बात की जाए तो आंसर की फ्रेंड, ठीक है। और इसी के साथ ही फ्रेंड 29 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और बात की जाए नेक्स्ट चैप्टर का है 30 नंबर फ्रेंड, तो 30 नंबर 30 नंबर चैप्टर आपका क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि शिक्षा का निजीकरण एवं वाणिज्यीकरण, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रेंड्स, ठीक है। 30 नंबर को 30 चैप्टर आपका ये है, इसमें भी फ्रेंड देखते हैं एक एक क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ठीक है। और अगर बात की जाए फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है उद्योगों के निजीकरण का अभिप्राय क्या है फ्रेंड, तो क्या अभिप्राय है, तो इसमें फ्रेंड ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए क्या कह रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र को किसी निजी क्षेत्र के लिए खोल देने से है फ्रेंड, इसी को क्या कहते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण से वृद्धि होती है, तो निजीकरण से फ्रेंड किसकी वृद्धि होती है, तो एक तो निजी क्षेत्र में भूमिका में वृद्धि होती है और निजी क्षेत्र के महत्व इंपॉर्टेंस की भी वृद्धि होती है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्योगों में निजी क्षेत्र का हस्तांतरित करना क्या कहलाता है फ्रेंड, तो क्या चीज़ का क्या कहलाएगी, आपका निजीकरण कहलाएगी। नेक्स्ट है संकुचित अर्थ में निजीकरण से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक उद्योगों का निजी स्वामित्व हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका कह रहा है कि अनितिन कह रहा है कि विस्तृत अर्थ में बताइए, पहले शॉर्ट में पूछ रहा विस्तृत में बदलाव में बताइए निजीकरण का अर्थ, तो इसमें फ्रेंड निजीकरण का अर्थ हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व का निजी व्यक्तियों द्वारा प्रबंध तथा नियंत्रण किया जाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र सरकार उद्यम का मालिक बन जाता है या उसका प्रबंध करता है फ्रेंड, जब देखिए उद्यम का मालिक बन गया, मालिक कौन होता है फ्रेंड, बार्बर होता है ना फ्रेंड, बार्बर होता है, मतलब कि बार्बर जहाँ आप शेविंग कराने जाते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनाने जाते हैं, सैलून जाते हैं, तो वह बार्बर क्या होता है, उस दुकान का क्या होता है, मालिक होता है फ्रेंड, ठीक है। आप तो इसमें बार्बरी हो जाएगा, और फ्रेंड उसका अस्तुरा अगर थोड़ी सी चूभ रहा है तो क्या ले लेती है, जान ले लेती है फ्रेंड, यहाँ पे बार्बरी एवं तथा जान नील्स हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑन स्क्रीन, निजीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके फलस्वरूप सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण वाले क्रियाएं परिसंपत्तियां या संगठन बोलते हैं या आंशिक रूप से किसी गैर सरकारी संगठन को हस्तांतरित हो जाता है फ्रेंड। यह स्टेटमेंट फ्रेंड किसने दिया था, यह स्टैंड आपके किसने दिया था यह आपका दिया था गुडरीम ने फ्रेंड, दिया था JN गुडरीम ने दिया था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑन स्क्रीन, निजीकरण को अपनाया जा सकता है, निजीकरण को कैसे अपनाया जाता है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से मतलब कोई भी निजी कंपनी आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर आंशिक रूप से मतलब आप इसमें शेयर लगा सकते हैं फिर, ठीक फ्रेंड, तो पूर्ण रूप या आंशिक रूप से हो जाएगा। निजीकरण प्रक्रिया मुख्य विशेषताएं फ्रेंड्स क्या है, तो मुख्य विशेषताएं फ्रेंड्स क्या है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सभी डी दे रखा है, तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या फ्रेंड्स कितनी है, तो ओनली 3 है। सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग है, तो सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग फ्रेंड्स कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी अणु ऊर्जा और रेलवे, सभी चीज़ें हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रधानता किसकी थी,
तो आपकी किस्मत किसकी थी फ्रेंड? तो इसमें राइट सार्वजनिक क्षेत्र की थी। सरकार ने सार्वजनिक उद्योगों के शेयरों का विनिवेश करने के लिए रंगराजन समिति, फ्रेंड रंगराजन समिति कब आई थी फ्रेंड? आपको पता होना चाहिए 1992 में आई थी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के निजीकरण के मुख्य कारण क्या थे फ्रेंड? तो निजीकरण का जो मुख्य कारण है फ्रेंड्स क्या था? तो इसमें राइट आंसर है फ्रेंड ये सभी चीज़ें हो जाएंगे उपयुक्त सभी। निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड? तो अगर मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो इसमें भी राइट आंसर उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। निजीकरण से होने वाले मुख्य लाभ फ्रेंड्स कौन थे? तो निजीकरण से होने वाले मुख्य लाभ भी आपके राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निजीकरण से होने वाले मुख्य हानियाँ, तो इसमें भी राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। अधिकतर हमने बताया 99% फ्रेंड आपका राइट आंसर डी ही होता है। डी में मतलब उपयुक्त सभी या इनमें से सभी, इस टाइप का आपका कुछ ना कुछ दे रखा होता है। ये आपके उत्तर माला फ्रेंड्स हो गए, ठीक फ्रेंड। 17 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, तो इसी हिसाब से 30 चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, मतलब 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आपका आप इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट चैप्टर बचा है 31 फ्रेंड्स, उसको भी देख लेते हैं। और इसी के साथ आपका पूरा इजी नोट कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड। इस पीडीएफ का फ्रेंड, इस आपके फर्स्ट पेपर का, ये आपका लास्ट चैप्टर है और इसका नाम है 31। और 31 का नाम है परीक्षा सुधार, मतलब एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं फ्रेंड, जितने जो भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन कह रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, तो फ्रेंड शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, बालक का विकास करना, बालक को साक्षर बनाना और बालक को सरकारी नौकरी दिलाना, ये सभी होते हैं। बट परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका राइट आंसर बी होगा, बालक का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में उसका चौमुखों चारों ओर आपका सब चीज़ों का विकास हो जाता है फ्रेंड। तो कहने में अच्छा लगता है ना, बालक का सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड क्या होगा? बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है, तो किस में प्रकट होता है? तो ये आपका व्यवहार में होता है फ्रेंड। इसका नेचर ही बता देता है कि बालक का किस एरिया में या किस क्षेत्र में या कैसे क्या बालक का किस चीज़ में सर्वांगीण विकास है, ठीक है। उसका नेचर बता देता है, बातचीत करने का तरीके, ये सब चीज़ें। तो उसका क्या होगा? व्यवहार, नेचर बता देगा, हाव भाव, है ना फ्रेंड। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि उन्मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है फ्रेंड? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परीक्षा सुधार आवश्यक है, तो किन के लिए सुधार, ये परीक्षा आवश्यक सुधार है फ्रेंड? अब देखिए, समाज का बदलती आवश्यकताओं के कारण या विचारधाराओं में बदलाव के कारण फ्रेंड, ये दोनों हैं। बट ऑप्शन आप डी जरा गौर करिए, तो समाज की बदलती आवश्यकताएं, मतलब ऑप्शन दे ये यहाँ दे रखा है, विचारधाराओं तथा शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना, मतलब बदलाव करना, ये ऑप्शन बी दे रखा। तो ऑप्शन जी दोनों चीजें किसमें समाहित है? तो डी में, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा सुधार की आवश्यकताओं को जन्म देने वाले मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण फ्रेंड आपके सभी है, समाज की बदलती आवश्यकताएं, प्रतिभा विकास एवं वास्तविक ज्ञान के मूल्यांकन के लिए सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, वही क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, उसमें परीक्षा में सुधार हेतु क्या सुझाव दिए गए थे फ्रेंड? तो इसमें क्या सुझाव दिए गए थे फ्रेंड? ये सभी सुझाव दिए गए थे। अवसर का अतिशय तत्व को समाप्त करना, कंठस्थल स्थलीकरण के निरुत्साहन करना और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपका 7 नंबर है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षा सुधार हेतु किन बातों पर जोर दिया गया? तो फ्रेंड किन बातों, इनमें भी फ्रेंड कई सभी बातों पर, देखिए 3 बातों पर यहाँ हो गया और 3 बातों पर यहाँ, मतलब टोटल 6 तो यहीं से हो गए, सभी बातों पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन फ्रेंड, कार्यान्वयन किस वर्ष में आया था फ्रेंड? आपको पता होना चाहिए 1992 में आया था। और रंगराजन कब आया था? तो ये भी रंगराजन समिति आपकी 1992 में आई थी फ्रेंड, ठीक है। और चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि परीक्षा सुधार के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करने वाली अंतर स्थानिक समिति में विश्व संस्थाएं के प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया था फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड क्या है? तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग क्या है, इसको बोलते हैं यूजीसी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, मतलब कि आपका एनसीईआरटी हो जाएगा। और आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान, तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। ये सभी की सभी चीज़ें जो है संस्थान के प्रतिनिधि को शामिल किया गया था फ्रेंड, किसके अंतर्गत? जो आपका राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया गया था उसके अंतर्गत ये सभी स्थानिक समिति को शामिल किया गया था फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 10 नंबर, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा सुधार फ्रेमवर्क में शामिल किए जाने वाले मुख्य बिंदु है फ्रेंड, कौन कौन से मुख्य बिंदु? प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर फ्रेंड, ये तीनों आपके बिंदु या स्तर शामिल है। 1992 में परीक्षा सुधार कार्यक्रम के मुख्य अंश थे फ्रेंड, तो किस क्या मुख्य अंश थे? तो इसमें फ्रेंड प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर और सभी स्तरों के लिए एक समान कार्य निधियां, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। निम्न परीक्षाओं में सुधार के अंतर्गत आती है, तो फ्रेंड कौन सी चीजें आती है? अंकन में, विधि में सुधार, ये भी आएगा। प्रश्न पत्रों में सुधार,
प्रश्न होता है उनकी रचनाओं में सुधार, ये सभी राइट आंसर फ्रेंड, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, 30 नंबर कह रहे कि मौलिक अधिकारों में सुधार है किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, फ्रेंड इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है सतत सतत आंतरिक मूल्यांकन किन सिद्धांतों पर आधारित है, तो किन सिद्धांतों पर आधारित है ये फ्रेंड, सभी सिद्धांतों पर, ये भी दोनों सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षण प्रदान करने वाला व्यक्ति मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन कार्य के अंत में न होकर संपूर्ण सत्र के दौरान विभिन्न अंतरालों पर लगातार होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एंड इस सेशन का या इस वीडियो का कह सकते हैं इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, सतत मूल्यांकन के विभिन्न अंग हैं तो कौन कौन से फ्रेंड, एक तो क्लास एवं क्विज टेस्ट है, उपस्थित साक्षात्कार है और होम असाइनमेंट, ये सभी हैं फ्रेंड, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सेमेस्टर प्रणाली का प्रयोग किन देशों में सफलतापूर्वक किया गया था फ्रेंड, इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका, सभी में किया गया था फ्रेंड। हमने आपको दो तीन चीज़ें बताई हैं फ्रेंड, देखिए एक तो ये चीज़ बता दी कि 99% क्वेश्चन आपका उपयुक्त सभी या इनमें से सभी वाला सही होता है, या फिर दूसरी चीज़ है सबसे बड़ा जो ऑप्शन आपका दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है वो भी सही होता है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए आपका इसी के जरिए फ्रेंड फाइनली आपका ये इजी नोट फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। हमने देखिए फ्रेंड कितने पार्ट में फ्रेंड लाए हैं, फ्रेंड 6 पार्ट में लाए फ्रेंड, ठीक है। देखिए फ्रेंड ये बात ये है कि ना आप इन चीज़ों को फ्रेंड रिवाइज़ करते रहेगा फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड चीज़ों को रिवाइज़ करने से ही चीज़ें आती हैं, एक बार पढ़ लेने से कुछ चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है नहीं आती हैं, बट आती हैं। और फ्रेंड आप लोग इसका एक बार फिर से रिवाइजन कर लेंगे फ्रेंड, हम इसको पूरा इजी नोट आपका कंप्लीट करा दिए बट, और आप लोगों का 1 जुलाई को एग्जाम है तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा फ्रेंड, ऑल द बेस्ट। एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।